क्या आप भी हर रोज रात को सोने से पहले खुद से ये बोल के सोते हो कि कोई नहीं आज नहीं पढ़ता, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, और जब सुबह की बारी आती है तो आपकी नींद नहीं खुलती और आपको फिर रिग्रेट होता है कि यार आज भी मैं जल्दी नहीं उठ पाया, इससे अच्छा तो मैं रात को ही लेट तक पढ़ लेता। हाय गाइस, आई एम प्रशांत, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि इस समय पर अपनी इंजीनियरिंग परसीव कर रहा है। मैं पिछले दो साल से लाखों IIT जेई और नीट एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, और यार इतने ज्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे एक चीज बहुत क्लियरली पता चली है कि यार आज के समय की बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि जैसे ही किताब खोलते हैं भैया वैसे ही नींद आने लगती है और हम भी सो जाते हैं। चाहे उससे पहले मैं 7 घंटे सोया हूँ, 8 घंटे सोया हूँ, बट पढ़ते टाइम फिर नींद आती है और फिर सो जाते हैं। आज इसी प्रॉब्लम को डील करेंगे और मैं आपको कुछ नॉर्मल टिप्स नहीं बताने वाला जो कि सब बोलते हैं हाँ भाई उठो मुंह धो लो सही हो जाएगा, ऐसा देखो कुछ होता नहीं है, मैंने खुद ने ट्राई कर रखा है। मैं आपको मोस्ट साइकोलॉजिकल टिप्स देने वाला हूँ और ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी बायोलॉजिकल साइकिल भी इंप्रूव होगी और साइकोलॉजिकल आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैंने काफी सारे नॉवेल्स पढ़ने के बाद, काफी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, काफी सारी सीरीज देखने के बाद मुझे ये नॉलेज लगी है कि यार अपनी स्लीप को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर हम इन 5 मेथड को यूज करते हैं। तो सोल्यूशन बताने से पहले आप सभी से बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, तुझे नींद आती क्यों है? जब तू पढ़ने बैठता है तुझे नींद आती क्यों है? चाहे तू दिन में 7 घंटे सो चुका है फिर भी तुझे नींद आ जाएगी पढ़ते टाइम, और अगर तू पिछले दिन नहीं भी सोया है और मैं तुझे बुलाऊंगा चल यार मूवी देखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो तुम भागे 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 आओगे और कहते हैं हाँ ठीक है नींद तो बाद में ले लेंगे कि फुटबॉल मूवी सीरीज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सोचा इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो होता है आप सभी का मैटर ऑफ इंटरेस्ट। मूवीज होती हैं, जो सीरीज होती है ना, ये हमें कुछ टाइम का, जैसे 2 घंटे की मूवी है तो 2 घंटे का हमें एक ऐसा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी जिसके पीछे हम भागते हैं, जबकि हम वो भूल जाते हैं वो जो पढ़ाई है वो हमें लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन नंबर 1 है मेक योर गोल बिग। भैया गोल को बड़ा कैसे बनाएं, क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आया। ध्यान से सुनना यार, आज से कुछ साल बाद आप लोग ही 2 कैटेगरी में डिवाइड होने वाले हो। कुछ लोग उस कैटेगरी में जाने वाले हैं जो कि यार एक फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो कि आज मेहनत करेंगे, आज स्ट्रगल करेंगे, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ टाइम बाद अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो आप एक बहुत शानदार नौकरी लेने वाले हो, एक शानदार जॉब लेने वाले हो जिसमें कि आप महीने का 1-2 लाख रुपए तो आराम से कमाओगे। बट अगर आज आप मेहनत नहीं करते तो शायद आप बाद में मेहनत कर लो तो एक अलग बात है, बट अगर आप ऐसे ही पूरी जिंदगी भर मेहनत नहीं करते रहे और आपको नींद आती रही तो रियलिटी क्या है, थोड़ी सी हार्श रियलिटी है बट सच्चाई से बताऊं तो आप एक छोटी नौकरी करोगे जिसमें कि आपको कम पैसा मिलेगा। एंड यार जब ये 2 प्रकार के बंदे जब एक शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो एक वो है जिसने पहले मेहनत करी, एक अच्छी जॉब एक्वायर करी, तब वो कोई भी प्राइस देखकर चीजें नहीं खरीदेगा, प्राइस देखेगा बट उसे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस का, वो खरीद लेगा। बट यार दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो कि आज कम मेहनत करते हैं बाद में वो देखेंगे कि यार नहीं यार बाद में खरीदेंगे, नहीं यार थोड़े दिन बाद खरीदेंगे, अभी इतनी सेविंग नहीं हो पाई। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस गोल के प्रति भागना है और क्या आपको आज जॉब कर रहे हो उसको बड़ा बनाना है या नहीं बनाना है। और अगर आपको अपने गोल को बड़ा बनाना है तो आज बस एक काम करोगे, अपने जितने भी गोल्स हैं ना उन सभी को लिख लो। जैसे मैं हूँ, मेरी ये नोटबुक है या फिर मेरा एक बड़ा सा A4 साइज का पेज है, मैंने सारे गोल अपने लिख रखे हैं यार। हाँ भाई इस एज पे मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है BMW, चाहे कोई भी बड़े आपके शौक हो ना सारे लिख दो। आपके घर वालों को बहुत अनरियलिस्टिक लगेंगे ये चीजें बट रियलिटी है कि अगर आप एक बार लिख दोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार ये गोल है, इस पे फाइट मारनी है और ये अचीव कर। सोल्यूशन नंबर 1 समझे कि भाई लिख लो आज और क्या क्या आपके गोल्स हैं और गोल्स के प्रति सीरियस हो जाओ और अपने गोल को बड़ा बना दो, हर एक चीज लिख दो और बता दो कि यार ये मुझे अचीव करना है। सोल्यूशन नंबर 2 और द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, सोल्यूशन नंबर 2 है अपना, स्क्रीन पर लिख के बताता हूँ, वो है हमारा 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 सेकंड का रूल क्या कहता है कि यार आप जब भी सुबह जगते हो ना, आप याद करना, जब भी आप सुबह जगते हो या फिर आप दोपहर की नैप ले रहे होते हो, आपने सोचा 1 घंटे सोऊंगा दोपहर में, उसके बाद आपका अलार्म बजता है और आप अलार्म देखते हो आधी नींद में और उसके बाद आप देख के कहते हो कि नहीं यार नहीं जग पाऊंगा और आप अलार्म ऑफ करके फिर से सो जाते हो। तो 5 सेकंड रूल ये कहता है जिंदगी में आपको हर बार 2 चॉइस मिलेंगी और आपको चॉइस
जो आपको उठानी है उस चॉइस में आपको सिर्फ समय मिलेगा 5 सेकंड का। अगर आपने 5 सेकंड में डिसीजन ले लिया तो डिसीजन आपका, वरना आपका माइंड आप पे हावी हो जाएगा। एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि चलो आप दोपहर को सोए थे, 1 घंटे का सोच के आपका अलार्म बजा और उसके बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे अलार्म देखकर कि उठूं या ना उठूं। अगर आपने 5 सेकंड से देर कर दी तो आपका दिमाग बोलेगा सो जा, बट अगर आपने 5 सेकंड में अपनी चादर हटाई, बेड से खड़े हुए और अलार्म बंद करा और बोला अब पढ़ने बैठता हूँ, तो दिन पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। मुझे 5 सेकंड रूल क्या कहता है, 5 सेकंड होते हैं जिसमें कि आपको अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, और आज इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि आप उठो और पढ़ाई करो। ये है आपके नेक्स्ट 7 डेज का चैलेंज जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। यार कौन कौन स्टूडेंट इसको फॉलो करेगा वो कमेंट में लिखना, कि आप जब भी सुबह उठ रहे हो, दोपहर में उठ रहे हो, आप हमेशा अपने अलार्म या फिर आप जिससे भी उठते हो, आप 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लेके उठोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे। 7 दिन फॉलो करो और 7 दिन बाद मुझे कमेंट में बताना क्या आपका इससे स्लीपिंग शेड्यूल बेटर हुआ, क्या आपका जो पढ़ने का टाइम था वो इससे इंक्रीज हुआ या नहीं। सोल्यूशन नंबर 3, आप सभी को पता है साइकोलॉजिकल स्टडीज बोलती हैं कि यार हमें नींद तब आती है जब हमारे मसल मूवमेंट नहीं होता। जब हम पढ़ रहे होते हैं हम क्या करते हैं, हमारी आईज देख रही होती हैं और हमारे ब्रेन को हम पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लर्न करा रहे होते हैं, हमारा कोई भी मसल मूवमेंट नहीं होता। इसलिए साइकोलॉजिकल प्रूवन है कि हमें नींद आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसको डील करने के लिए एक ऐसा सलूशन बताऊंगा जो कि मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूं, और आज आपको फिर से बताऊंगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो एक नोटबुक अपने साइड में रख लो। एक नोटबुक, चाहे वो रफ नोटबुक है, फेड नोटबुक है, फर्क नहीं पड़ता, एक नोटबुक अपने साइड में रख लो। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बहुत थ्योरी वाला सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप एक रफ नोटबुक रखो और हाथ में पेन रखो, और आपके जो भी दिमाग में आ रहा है आप पढ़ रहे हो, कि हिस्ट्री में आपने कुछ लाइन पढ़ी और आप बस उसको लिखते रहो, नॉर्मली लिखते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फियर पे करो, आप बस लिखते रहो। उससे क्या होगा भैया, उससे ये होगा कि यार आपके मसल मूव होते रहेंगे, दिमाग चल रहा है, मसल मूव हो रहे हैं, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो आपके दिमाग में ब्लड अच्छी तरीके से जाएगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो ये है एक ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका जो आपको कोई नहीं बताता आज के समय पर, बट इंपॉर्टेंट नींद आने का जो सबसे मेजर रीजन है वो है ये, मसल मूवमेंट्स नहीं करते हैं, सबसे बड़ा रीजन है मसल मूवमेंट्स नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, साथ साथ में लिखते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, नोट कर लो, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं तो इस चीज को लिख लो, क्योंकि आप भूल जाओगे बाद। इस चीज को भी आप अगले 7 दिन के अंदर फॉलो कर रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 4, और एक इतनी इंपॉर्टेंट समस्या को डील करने में आपको बताने वाला हूं, जो कि आज हम यूथ हैं, मैं यूथ हूं, आप यूथ हो, इंडिया के यूथ में या फिर वर्ल्ड के यूथ में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है डाइट कंट्रोल की। कोई भी, हम भी कुछ भी खा रहे हैं, डाइट हमारा कुछ भी नहीं है, हम जो हमें मिल रहा है वो खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं। उससे होता क्या है ना, कि जब आप ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हो, ज्यादा खाना कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी पे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, जिस वजह से आपको नींद बहुत ज्यादा आती है। तो इसका सलूशन क्या है, सलूशन सिंपल सा है कि यार आप जंक फूड को कम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन में कम हो जाएगा, बट हल्का 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 उसको कम करो। और दूसरा सलूशन और मोस्ट प्रैक्टिकल सलूशन है कि यार जब भी आप खाना खाते हो उसके 1 घंटे बाद मत पढ़ो, क्योंकि अगर आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पढ़ोगे ना, तो कभी भी आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको नींद आएगी। और इसका बायोलॉजिकल रीजन ये है कि यार जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का सारा ऑक्सीजन उस खाने को डाइजेस्ट करने में चला जाता है, और जब सारा ऑक्सीजन वहां चला जाता है तो हमें नींद आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये इसके पीछे का बायोलॉजिकल रीजन। तो इसलिए याद रखें, जंक फूड को कट करें, और दूसरी चीज है कि यार खाना जब भी खाओ उसके 1 घंटे के बाद मत पढ़ो, रिलैक्स करो, बातचीत कर लो, बट पढ़ना मत, वरना नींद आ जाएगी और सो जाओगे। टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, यार याद रखना मेरे दोस्त, आप जब भी कहीं पर भी पढ़ने जा रहे हो तो आपका एक प्लेस होना चाहिए जहां पर कि आप पढ़ रहे हो। एग्जांपल से समझाता हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, इसमें मैं लेक्चर्स वगैरह लेता रहता हूँ, जेई के लेक्चर्स, नीट के लेक्चर्स, तो मेरे पूरे रूम को मैंने स्टूडियो बना दिया अपने घर के अंदर। अब जैसे ही मैं इस रूम के अंदर एंट्री लेता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है, हाँ भाई काम करना है। मेरे पास एक एनर्जी आती है इस रूम में घुसते, क्यों, क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर सेट हो रखा है कि भाई इस रूम पे आऊंगा तो काम करूंगा। तो ये चीज होनी चाहिए कि यार आपकी एक ऐसी टेबल होनी चाहिए जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, और जब पढ़ रहे हो उसमें तो आपको आपके ब्रेन ही आपको मैसेज देगा उस टेबल को देखते ही कि हाँ भाई पढ़ने बैठ जाओ। अगर आपकी एक टेबल होगी जहां पर आप पढ़ रहे हो, तो आप आओगे ना, एक वाइब आएगी अंदर से, एक एनर्जी आएगी कि यार यहां बैठ के तो पढ़ता ही हूं मैं, और कुछ नहीं, सोना वोना नहीं है, यहाँ तो पढ़ना है। अगर आप उसी बेड पे सो रहे हो, उसी बेड पे पढ़ रहे हो, तो होगा क्या कि पढ़ते पढ़ते नींद, ये रियलिटी। तो ये थी हमारी 5 टिप्स, और अब एक लास्ट में मैं आप सभी को एक बोनस टिप देके जाऊंगा। वो ये है ना कि यार आपने कभी नोट करा है कि आप रात को 1-2 बजे तक पढ़ तो लेते हो, बट उसके बाद आप फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह साइड में रख के सोने जाते हो, बट उसके 1-2 घंटे बाद जाकर आपको नींद आती है। ये पता क्यों होता है, इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। मुझे भी आपसे 1 साल पहले चीज रियलाइज हुई। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि यार जब भी हम अपने फोन या लैपटॉप से पढ़ रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं रात के टाइम पर, तो उनसे एक रेज आती है जिनको हम बोलते हैं ब्लू रेज।
ब्लू रेज क्या करती हैं, आपके आईज में जाती हैं और आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी रात नहीं है। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, उसे लगता है कि यार अब तो रात हुई नहीं, दिन है, सोने का टाइम तो नहीं है। पर उस वजह से जब आप अपना फोन या टैबलेट रख भी देते हो, उसके बाद भी आपको नींद आ नहीं रही होती, उसका रीजन है ये ब्लू रेज। इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, आपके फोन या टैबलेट आपके लैपटॉप में एक मोड होता है नाइट मोड से आपका येलो स्क्रीन थोड़ी बहुत येलो हो जाती है, उसको ऑन कर लिया करो। या फिर उसका अल्टरनेटिव मेथड है कि यार ग्लासेस आते हैं, ब्लू रे ग्लासेस आज के समय पर मैंने भी ले रखे हैं, जिनसे कि आपकी आईज पे भी जोर नहीं जाता और दूसरा उसका क्या है, ब्लू रेज से भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। होपफुली आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो 7 दिन का चैलेंज दिया है वो कौन कौन फॉलो करेगा, कमेंट आप जरूर से जरूर करके जाएं और 7 दिन बाद फिर आना और कमेंट करना, भैया 7 दिन का चैलेंज पूरा कर लिया है। ऑन दिस नोट होपफुली आप सभी की जो नींद की समस्या थी वो हमने कर दिया समाप्त। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बट अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम और ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं और यूथ तक हम पहुंच पाएं और उन्हें उनके गोल के प्रति सीरियस बना पाएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर।